स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी पोएम नंबर 4 पानी और धूप हास्य कविता। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से ये पानी। मतलब ये बच्चा पूछ रहा है कि अभी तो धूप था तो फिर ये पानी कहाँ से बरसा। किसने फोड़ गढ़े बादल के कि है इतनी सैतानी। मतलब पूछता है कि किसने ये गढ़े बादल के जो बादल है उसमें जो गढ़े किसने फोड़े। गढ़े मतलब एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है। किसने फोड़ गढ़े बादल के। मतलब बादल में वो सोच रहा है कि बादल में गढ़े होंगे वो किसने फोड़े कि है इतनी सैतानी। सैतानी मतलब बदमाशी। ये ऐसी बदमाशी कौन करता है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। मतलब जब भी बादल आ जाते हैं तो सूरज हम नहीं दिख पाते, इसलिए बच्चा बोल रहा है कि सूरज ने क्यों कर दिया अपने घर का दरवाज़ा बंद, है ना। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। वो भी ऐसा सोच रहा है कि सूरज जब बादलों की वजह से नहीं दिखता तो वो बच्चा बोल रहा है कि उसकी माँ ने भी उसको घर पे बुला लिया होगा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। बादल भी जोर जोर से जब बारिश होती है तो गरजते हैं, तो उस वक्त बच्चा बोलता है कि बादल है किसके काका। मतलब बादल किसके काका है ऐसा बच्चा पूछता है। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। मतलब बारिश जब होती है तो बादल की आवाज़ आ रही है तो गरजता है तो आवाज़ आ रही है, तो वो भी बोल रहा है कि किसने ऐसी शैतानी की होगी कि उसको उसके काका डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। मतलब माँ का जिसने नहीं सुना तो बादल में किसको डांट पड़ रही है वो पूछते हैं। तो उसकी शिक्षा हो रही है कि मौसम में भी बदलाव आता रहता है।